बिल्कुल जैसो छोरा, आज इतनो भारी भारी वजनदार कैसे है गये? कन्हैया ने तुरंत मुस्कुरा के मैया को देखा तो मैया वैष्णवी माया से मोहित हो गई। अरे याद आई, 2 घंटा से बैठी बैठी दूध जो पिवा रही हूं, दूध पीते पीते छोरा भारी है गयो। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भारती, बहुत भारी लगे तो धरती में बैठा के मैया भीतर चली गई कछु काम से, कि थोड़ी देर खेलेगो कूदेगो दूध पच जाएगो, हल्को है जाएगो। मैया भीतर गई कि मिल गया तृणाव्रत को अवसर, वेग से आया लाला को उठाया कंधे पर बैठाया आकाश में उड़ा के ले गया। भगवान भी उड़े चले गए और पूरा ब्रजमंडल सब कुछ देख लिया घूम लिया। और बच्चों को जब डर लगता है ऊपर तो गला पकड़ेंगे, डरा हुआ व्यक्ति किसी को पकड़ता है और जोर से पकड़ता है, जितना डर होता है उतना ही तेज पकड़ता है। तो भगवान भी बालवत व्यवहार कर रहे हैं, आकाश में उड़ा रहा है तो भगवान को डर लगा तो पकड़ ली गर्दन, इतनी जोर से गर्दन पकड़ी और इतना भगवान ने वजन बढ़ा दिया अपना, तब तक कि तृणाव्रत घबरा गया, पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगा, जल्दी जल्दी में कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया, ये नंद का लाला है कि पहाड़। भगवान को हंसी आने लगी, अरे मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में मुझको देखते हैं और तू मुझ में पत्थर को देख रहा है, चल तेरी घोबड़ी पत्थर से ही पटको। तमंतरिक्षात पतितम शिलाया विषीण सर्वावयवं करालम, पकड़ करके जो शिला पर उसका सिर पटका, गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, बोलबंसी वारे की जय। तृणाव्रत का उद्धार हुआ, तूफान शांत हो गया। अब देखिए द्वापर में गोविंद ने प्रकट होके ये ब्रज की लीलाएं तो की ही हैं, ऐतिहासिक सत्य है, उसके साक्ष्य भी हैं, जन्म का साक्ष्य है, गोवर्धन है, यमुना जी हैं, उन लीलाओं के साक्षी हैं ये, इसलिए इनको कभी कल्पना मत समझ लेना, क्योंकि आजकल ऐसा लोग बहुत सिद्ध करने का प्रयास करने लगे हैं, ये सब काल्पनिक कथा है। इसलिए बहुत से लोग इस प्रवाह में बह जाते हैं, कहते हैं रामायण भागवत गीता सब अपने ही भीतर है, सही बात है भीतर भी है, पर यह कहना कि भीतर ही है गलत है। यदि भीतर ही है तो ये वृंदावन, ये गोवर्धन, ये सब बेकार है क्या? तो स्थूल जगत में इस पृथ्वी पर भी प्रभु का प्राकट्य हुआ और सारी लीलाएं हुई, पर गंभीरता से विचार चिंतन करने पर यह अपने भीतर भी दृष्टिगोचर होता है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, इस दृष्टिकोण से। इसलिए अध्यात्म पक्ष को दिखाते समय बहुत से लोग ये भी कह जाते हैं कि ये सब अपने ही भीतर है, बाहर कुछ नहीं हुआ था, ये गलत है। यदि ऐसा कहोगे तो कृष्ण जन्मभूमि राम जन्मभूमि सब बेकार हो जाएगी, फिर तो सब अपने भीतर ही रामलला को प्रकट करें, फिर काय का विवाद। राम जी जहां प्रकट हो गए वो भूमि राम जी के जन्म की है, कन्हैया प्रकट हो गए वो कन्हैया की जन्मभूमि है, इसलिए भगवान धरती पर लीला किए, पर वही लीला हमारे हृदय में भी है यदि सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म बुद्धि से विचार करें तो। ये शरीर भी ब्रजमंडल है, ये शरीर का नाम ब्रजमंडल क्यों है? ब्रज का अर्थ क्या है? ब्रजति भगवत समीपे सब्रजः, ब्रजगतौ धातु है, जो तुम्हें भगवान के समीप पहुंचा दे, भगवान से मिला दे, उसका नाम है ब्रज। तो ये केवल 84 लाख योनियों में, जैसे अनेक शहर हैं नगर हैं पर ब्रज में ही भगवान प्रकट हो गए, उसी प्रकार 84 लाख योनियां हैं पर मानव शरीर से ही भगवत साक्षात्कार संभव शीघ्र होता है, इसलिए ब्रजमंडल मानव शरीर है। परंतु ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल के बीच है गोकुल धाम, जहां गोविंद लीला किए हैं, प्रकट भय है, तो गो नाम गायों का भी है, तो गो नाम इंद्रियों का भी है।
इसी शरीर रूपी ब्रजमंडल में पंच ज्ञानेन्द्रियां पंच कर्मेंद्रियों के समुदाय रूप गोकुल धाम है। जहां गाय विचरती हों वो गोकुल, और इस शरीर में इंद्रियां भी अपने अपने विषयों में विचरण करती हैं, इसलिए ये भी गोकुल धाम है। ब्रज के भीतर गोकुल है, और गोकुल में आनंद कब आया? जब नंदलाल प्रकट भए। गोविंद गोकुल आयो तब गोकुल में आनंद छायो। उसी प्रकार गोकुल है, ब्रजमंडल भी है, पर नंद महोत्सव यद नहीं मना, इस गोकुल में यद नंद नंदन प्रकट नहीं हो गए, तो आज ब्रज को कौन जानता? यद कन्हैया प्रकट न होते तो, मथुरा में गोविंद जन्म न लेते, प्रकट न होते तो मथुरा को, वृंदावन को, गोकुल को, ब्रज को कौन जानता? ब्रज का गौरव गोविंद के जन्म से ही तो बढ़ा है। गोपियां कहती हैं, जयत ते अधिकम जन्मना ब्रज, ते तब जन्मना ब्रज अधिकम जयति। आपके जन्म लेते ही ब्रज का गौरव बढ़ गया। ब्रज तो पहले भी गौरवशाली था, पर गोविंद के प्राकट्य से अधिक उसका गौरव बढ़ा। कि जयति, जयति माने जीत लिया। तो ब्रज ने किसको जीत लिया? बोले बैकुंठात अधिकम जयति, बैकुंठ को जीत लिया। अब तक सर्वत्र शास्त्रों में संतों के बीच बैकुंठ की महिमा गाई जाती थी, वैकुंठ धाम वैकुंठ धाम, पर जब से प्रभु ब्रज में प्रकट हो गए तब से लोग बैकुंठ को छोड़ के ब्रज धाम की चर्चा करने लगे। चलो ब्रज धाम, चलो ब्रज धाम। तो ब्रज ने बैकुंठ को जीत लिया। जयते ते अधिकम जन्मना ब्रज, पर किसके बल पर जीता? तब जन्मना, तुम्हारे जन्म होने से, आपका प्रादुर्भाव होने से लोग बैकुंठ जाना छोड़ करके ब्रज की ओर भागने लगे, कि जब नंद नंदन यहीं मिल रहे हैं तो वहां लाइन में कौन लगे। बैकुंठ के भगवान अत्यंत दुर्लभ और ब्रज के ठाकुर अत्यंत सुलभ। अपना सरलीकरण करने के लिए ही तो ब्रज में आए हैं। देखो एक बात बताए, जो वस्तु या जो व्यक्ति बहुत दुर्लभ हो जाता है, लोग उससे मिलना भी, उसको पाने की फिर इच्छा भी नहीं रखते। हर कोई चाहे कि हम मोदी जी से मिले, आप नहीं मिल सकते तो फिर हम इच्छा ही क्यों करें? जब नहीं मिल सकते तो हमारी सामर्थ्य नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है, तो आदमी फिर उधर से उपेक्षित प्रयास करना बंद कर देता है। परंतु यदि उम्मीद लगने लगे कि नहीं नहीं प्रयास करेंगे तो मिलना संभव है, तो फिर आदमी पुरुषार्थ करता है, हैं? कैसे मिलेंगे, जुगाड़ लगाता है। प्रयत्न कब किया जाएगा? जब उम्मीद हो मिलने की, और जब ना उम्मीद हो जाए तो प्रयत्न भी खत्म हो जाता है। तो भगवान को लगा हम ऐसे ही साथ में आकाश में बैठे रहे, बैकुंठ साकेत में बैठे रहे, और यदि भक्तों ने ऐसा सोच लिया कि हमसे भगवान का मिलना असंभव है तो कोई भगवान की पूजा क्यों करेगा, क्यों भगवान की अर्चना वंदना करेगा? जब वो हमसे कभी मिल ही नहीं सकते तो हम क्यों चक्कर में पड़े? तो भगवान कहते नहीं है, ये बात नहीं है, जो दुर्लभ मानते हैं उनके लिए हम सचमुच बहुत दुर्लभ हैं, पर जो सुलभ मानते हैं उनके लिए हम बहुत सुलभ भी हैं। तुम मुझे जो मानो हम वैसे ही हैं। इसलिए भगवान बीच बीच में अवतार लेते हैं हमारा विश्वास जगाने के लिए, कि देखो हम तुम्हारे बीच में भी आते हैं, तुम्हारे साथ खेलते हैं, तुम्हारे साथ खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, घूमते हैं। हमारा भगवान ऐसा नहीं है कि साथ में आकाश का खुदा बना बैठा रहे, वो उससे कोई मिलना ही संभव। किसी का भगवान, किसी का ईश्वर दूत भेजता है, किसी का ईश्वर पुत्र भेजता है, खुद किसी का ईश्वर नहीं आता। ये केवल सनातन धर्म का ईश्वर है जो पुत्र भी भेजता है, दूत भी भेजता है, किंतु स्वयं भी प्रकट होकर के पधारते हैं, और किसी का स्वयं नहीं आता। खूब बुलाओ, खुद आ, खुद आ, परंतु वो खुद नहीं आता, कुछ भेजता रहता है संदेश। पर हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर ऐसा है कि वो किसी को भेजता नहीं है। भक्त पर संकट पड़ता है तो स्वयं ही भागा दौड़ा चला आता है, चाहे वो भक्त गजराज ही क्यों ना हो।
हाथी पर संकट आया स्वयं आए। बड़े लोग प्राय अपना संदेश वाहक भेजते रहते हैं, उनको कह देना भाई शादी विवाह में हम तो नहीं जाते, हमारा प्रतिनिधि पहुंच जाएगा। परंतु प्रतिनिधि के पहुंचने में, आने में और स्वयं के आने में बहुत बड़ा अंतर होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारे प्रभु स्वयं पधारते हैं बैकुंठ में, तो इतने बड़े इतने दुर्लभ हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यान में, सब लाइन में लगे हैं। जब नंबर आएगा तब आपसे भेंट की जाएगी, तब आपकी भेंट हो पाएगी। इतने दुर्लभ हैं भगवान बैकुंठ में। परंतु जब ब्रज में आ गए तब ताहे अहीरी की छोहरियां छछियां बरे छांच पे नाच नचावे। बैकुंठ में बैठ के तो सबई नचावत राम गोसाई, और ब्रज में आकर के स्वयं नाच रहे हैं ग्वालिनियों की छांच पर। ऐसा छैल छबीला सरल सुलभ ईश्वर ब्रज के बाहर भी कहीं मिलने वाला नहीं है। तीन लोक में कहीं भी चले जाओ महाराज, ऐसा चटकीला मटकीला रसीला छबीला ठाकुर तो ब्रज में ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए आइए ऐसे छैल छबीले ठाकुर का एक बार दर्शन करें, स्मरण करें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अरे तीन लोक में नाया